हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग अपना स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे इम्प्रूव करें। इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर हम लोग रोज़ का नाम सिमरन करते रहे हैं और हम लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं रोज़ का, बट स्टिल वी डोंट फील सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस। मतलब जैसी प्रोग्रेस हमारी रोज़ की होनी चाहिए इतने सालों में, वो उतनी दिख नहीं रही है। और पीपल आर यू नो वेरी मच कंसर्न अबाउट रेजिंग देयर वाइब्रेशन, क्योंकि अगर हम लोग मेडिटेशन में भी हैं, ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करती है, आपकी वाइब्रेशन हाई होती हैं एंड सो मेनी थिंग्स, यू फील पॉजिटिव विद योर लाइफ स्टाइल। और इसके अलावा आपका जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, देर इज़ अ इम्प्रूवमेंट इन सो मेनी थिंग्स। बट स्टिल इतना नाम सिमरन रोज का करते हुए भी और मेडिटेशन करते हुए भी You don't feel that level of progress with those things. तो आज के वीडियो में हम लोग वही बातें करेंगे कि ठीक है, अगर आप नाम सिमरन कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो, बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर मिसिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन, जिससे आप देखोगे कि आपके रोज के लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे कितने चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और वो कुछ बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कुछ एडिशंस करनी है। इसमें जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका नाम सिमरन जो है वो रोज़ का होना चाहिए। मतलब कि रोज़ आप अपना पाठ पूजा कीजिए, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जो भी प्रेयर आप रोज़ करते हो, कोशिश कीजिए कि उस नाम सिमरन को रोज़ कीजिए, और हो सके तो एक ही स्पेसिफिक टाइम पर कीजिए। कहते हैं कि अगर आप इस एनर्जी में बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होना चाहते हो एंड यू वॉन्ट प्रोग्रेस, अच्छे से एक ग्रोथ चाहते हो अपने आप में, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना नाम सिमरन रोज़ एक ही टाइम पे कीजिए। समझ लिया, आपने एक टारगेट टाइम रखा कि मेरे को रोज़ सुबह नहा धो के 6 बजे बैठना, तो ठीक है 6 से 6 5 हो गए, 10 हो गए, ठीक है वो बड़ी बात नहीं है, पर आपको एक टाइम रखना है ताकि अगर आप रोज़ 6 बजे बैठते हो तो रोज़ 6 बजे बैठो। हाँ, कई बार कोई ऐसी अर्जेंसीज आ जाती हैं कि हम उस टाइम पे नहीं बैठ सकते हैं। जैसे हमने मन बनाया कि हमें 6 बजे बैठना है, 6 से 7 हो गए, एक दिन 7:30 हो गए, 8 हो गए, यू कुडंट डू इट इन टाइम, तो दोज एक्सेप्शंस आर एक्सेप्टेबल कि नहीं हो पाया। पर अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप एक ही टाइम रखिए अपने नाम सिमरन का और उसको रोज़ एक ही टाइम पर कीजिए। और उसके बाद दूसरी बात, अगर आप नाम सिमरन रोज़ का आपको आदत नहीं है करने की, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो नाम सिमरन नहीं करते हैं, दे डोंट फील लाइक डूइंग इट, पर वो मेडिटेशंस में हैं, तो आप कैसे शुरू कर सकते हो कि ताकि आप इस एनर्जी में कनेक्ट हो? आप एफर्मेशन से शुरू कर सकते हो। यू कैन डू स्मॉल एफर्मेशंस, रोज़ की छोटी छोटी प्रेयर, मतलब कि आप रोज अपना जिस टाइम पर भी आप उठते हो तो आप उस टाइम बैठ के भगवान से प्रे कीजिए, डू सम एफर्मेशंस। एफर्मेशंस के लिए आप गूगल कर सकते हो, ढूंढ सकते हो ऑन द इंटरनेट व्हाट टाइप ऑफ एफर्मेशंस यू कैन डू एवरी डे, ताकि आप उसको एक पेपर पे लिख लो और आप रोज वो एफर्मेशन मॉर्निंग में करो, रात शाम को करो, सोने से पहले करो। उससे क्यों आएगा, आपको एक रूटीन में आदत पड़ती जाएगी उस एनर्जी में कनेक्ट होने की। तो धीरे धीरे एफर्मेशंस में आपका जब मन लगता जाएगा तो आपका मन नाम सिमरन की तरफ भी जुड़ना हो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हो, रिलीजियस बुक्स। और रिलीजियस बुक्स कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप गीता पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो। हाँ, वो चीज़ें पढ़नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, देयर इज़ अ हमारा पूरा ज़िंदगी का सहारा उनमें। अगर हम लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे गीता पढ़ो रोज़ की, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर आप कोई और टाइप की बुक्स पढ़ना चाहते हो, जैसे कि स्पिरिचुअल बुक्स हैं, मतलब कि उनमें नाम सिमरन के बारे में लिखा है या फिर एनर्जीज के बारे में लिखा है, अबाउट लाइफ, कुछ भी, पर वो जो कि हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे पॉजिटिव बनाएं और हम लोग इन चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा कनेक्ट हों, तो आप उस टाइप की कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। कई बुक्स कई लोगों को लगती है थोड़ी मुश्किल होती हैं, पर उसके अलावा आप इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हो, जहाँ पर द ट्रांसलेशन इज़ देयर, है ना, या फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की होती हैं बुक्स। तो ऐसी बुक्स को आप रोज़ का मेक बुक्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसके अलावा आता है कि रोज़, जैसे कि हम लोग कोई प्रवचन सुनते हैं संतों के, यूट्यूब पे जाइए, कोई भी वीडियो,
चाहे वो कोई संत साधु हो, कोई कुछ बोल रहे हो, है ना। सो मैनी स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स आज देयर है ना, कि जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं। कितने सेमिनार्स ऐसे आते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को लेके बातें होती हैं। उन चीज़ों को सुनो, उन चीज़ों को सुनने से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका मन और ज़्यादा जुड़ेगा इन चीज़ों में। क्योंकि होता क्या है, हमें नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, हमें चाहे वो, अगर हम लोग सोचें कि हमें बहुत सारा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, हम लोगों ने ये चीज़ बहुत बार पढ़ी है एंड वी नो सो मच अबाउट इट, पर आप देखोगे जैसे जैसे आप नॉलेज को भी एक्सप्लोर करते जाओगे, आपको पता लगेगा कि आप अभी भी कहीं एक दो पॉइंट पे ही खड़े हो। क्योंकि नॉलेज का समुंदर एक इतना बड़ा, इट्स अ वास्ट थिंग टू स्टडी। इतना दुनिया में नॉलेज है हर चीज़ में, रिलीजियस बुक्स में लगा लो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, इतना बड़ी दुनिया इन चीज़ों में कि हम लोग जितना भी सोचे हम लोग ज्ञानी हैं, पर आप एंड में देखोगे कि हमें इतना ही पता है और अभी वी हैव सो मच टू लर्न। सो हमेशा किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए इन चीज़ों के बारे में। मतलब ठीक है, कई लोगों को रोज़ की भी वही चीज़ें देखनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, आपको कुछ भी आप देखते हो इंटरनेट पर, जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें, पर उनके साथ साथ रोज़ का कुछ टाइम ज़रूर निकालो और स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर कुछ वीडियोज़ भी देखो, बिकॉज देर इज़ सो मच टू लर्न। जैसे जैसे आप सुनोगे आपको पता लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं पता इस दुनिया के बारे में, जितना भी हम लोग जानते हैं वो ज्ञान बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड यू फील गुड अबाउट इट। जैसे भी आप जैसे भी कुछ सुनते हो आपको अच्छा लगता है, जैसे ऐसी भी बातें हैं, हम लोगों ने तो ऐसी बातें कभी सुनी नहीं, तो उसमें आपका मन लगता है। और देखोगे जैसे जैसे आप रोज़ इन चीज़ों को देखते जाओगे आपका मन और लगेगा इन चीज़ों में। और अगर आप रोज़ का नाम सिमरन करते हो जैसे, तो उसमें मंत्रा जाप बहुत अच्छा, इससे आप बहुत जल्दी ग्रो करते हो अगर आप रोज़ का कोई एक मंत्रा करते हो। मतलब कि ये समझ लिया आप एक माला करते हो तो उसको तीन कर दो, पांच कर दो, जैसा भी आपके पास टाइम है। मंत्रा से क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। कोशिश कीजिए एक ही जगह पे बैठ के रोज़ मंत्रा कीजिए, और वो भी एक ही टाइम पे बैठ के कीजिए। जब भी आप बैठते हो, अगर आपने जो भी एक स्पेसिफिक टाइम रखा उसी टाइम ही आप बैठिए, एक माला कीजिए, तीन कीजिए, जैसी भी जितना भी आपके पास टाइम है मंत्रा जाप रोज़ का कीजिए। होता क्या है, जब हम लोग मंत्रा जाप करते हैं और रिपीटेडली करते हैं, तो आप देखोगे जब वो आपके मुंह पे रटना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे आप मंत्रा जाप, अगर आपने माला पकड़ी हुई है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको इतना कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो आपको मंत्रा याद हो चुका है, दूसरी बात जब आप धीरे से जब आप आंखें बंद करते हो तो आप अंदर ही अंदर उस मंत्रा जाप को करते जाते हो। जैसे कि पहले आप जब शुरू करते हो आप लाउड करते हो ना, धीरे धीरे आप उस मंत्रा को धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हो। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें आप मुंह से भी बोलना धीरे धीरे, लिप सिंकिंग भी बंद कर हो जाती है, आपकी आंखें बंद होती हैं, माला चल रही होती है आपकी, है ना, माला पे हाथ चल रहा होता है आपका, पर वो सिमरन, नाम सिमरन जो है अंदर का, वो जो जाप है वो अंदर ही अंदर रिपीट होता जा रहा है। इट्स लाइक अ वेरी डीप मेडिटेटिव स्टेट। तो मंत्रास अगर आप कोई भी करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मंत्रास का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़े बड़े मंत्रास हो या कुछ हो, आप एक स्पेसिफिक वर्ड भी पकड़ सकते हो, ओम, सतनाम, वाहेगुरु, या सिर्फ वाहेगुरु, है ना, मतलब कि कोई भी ऐसी एक चीज़ जो रिपीटेड आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो। वो बोलते हैं ना, जैसे कि कोई चीज़ करते करते आप एक स्लीपिंग स्टेट में एंटर हो जाते हो, वो दैट इज़ लाइक अ वेरी डीप मेडिटेटिव स्टेट, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले, जैसे कि आप सुबह उठ के नाम सिमरन करते हो, उसी तरह आपको रात को सोने से भी पहले उस प्रभु को याद करो, उनको थैंक यू बोलो फॉर अ ब्यूटिफुल डे, जैसा भी दिन आपका गया, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें हुई, भगवान को थैंक्स करो और उनके लिए प्रे करके सो। इसे होता गया है कि आपकी जो आत्मा है वो कनेक्ट होती है रोज़ का उस एनर्जी में, आप अपने आप को एक ब्यूटीफुल एनर्जी में कनेक्टेड पाते हो,
जैसे आप सुबह उठते हो तो नाम स्मरण करते हो, कहीं जा रहे हो घर से निकलने से पहले आप जैसे भगवान का नाम लेते हो, अच्छा मैं घर से जा रहा हूँ, अच्छे से जाऊँ और अच्छे से घर वापस आ जाऊँ, है ना। हम लोग उस भगवान को प्रे करते हैं। किसी काम के लिए जा रहे हो तो आप प्रे करते हो कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम अच्छे से हो जाए। मतलब हर एक चीज़ में उसको याद कीजिए, इवन सोने से पहले भी। बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, देर आर सो मैनी पॉइंट्स। तो जो बाकी के पॉइंट्स हैं आई डिस्कस इन द पार्ट टू। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब एंड बेल बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।